नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल उत्तराखंड टिप्स में। आज हम बात करेंगे गिंदी मेले के बारे में, तो चलिए शुरू। उत्तराखंड में मकर संक्रांति के समय अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के मेले लगते हैं, जिनकी जानकारी आप ऊपर आई बटन में प्राप्त कर सकते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं गिंदी मेले या गेंद मेले के बारे में। हर साल मकर संक्रांति के दिन पौड़ी गढ़वाल जिले के यमकेश्वर ब्लॉक के थल नदी और डाडा मंडी में गिंदी मेला लगता है। इसमें 12 से 14 इंच व्यास की चपटी चमड़ी की गेंद से खेला जाता है। इसमें दो पक्ष आपस में गेंद छिनकर अपने पाले में ले जाने की कोशिश करते हैं, और गेंद को अपने पाले में जो टीम ले जा लेती है वह जीती हुई मानी जाती है। डाडा मंडी के गिंदी मेले को 7 लाख माफ तथा थल नदी के गिंदी मेले को 5 लाख माफ कहा जाता है, मगर आज तक ऐसा कोई नुकसान की खबर नहीं है। डाडा मंडी गिंदी मेले का इतिहास यह है कि डाडा मंडी मेले की शुरुआत बौणा गाँव के छवाण राम तिवाड़ी ने सन 1870 में की थी। पैसे से कारोबारी छवाण राम की 3 पत्नियों में से एक का मायका डबरालशिव में था, और वह हर साल थल नदी गिंदी मेला देखने जाया करती थी। तो एक बार छवाण का मन में गिंदी मेला देखने का हुआ, तब उन्होंने डांडा मंडी में गिंदी मेला प्रारंभ करवाया। वीडियो भली लगी तो लाइक करिया, अपने दोस्तों को शेयर करिया, कमेंट बॉक्स में बताया अगली वीडियो क्या दिख जाएगा।